बॉलीवुड में कई हस्तियां ऐसी हैं जो कैंसर की बीमारी के चलते दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं, तो कुछ इसका सामना कर अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। और आज वर्ल्ड कैंसर सर्वाइवल डे पर आज हम आपको इस वीडियो में बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में दिखाएंगे जिनकी जिंदगी में कैंसर जैसी बीमारी आई लेकिन उनके जज्बे के सामने घुटने टेक गई। सोनाली बेंद्रे। 4 जुलाई 2018 को सोनाली बेंद्रे ने बताया कि उन्हें हाई ग्रेड कैंसर है और उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क ले जाया जाएगा। सोनाली बेंद्रे ने कैंसर से लड़कर अपनी जंग भी जीती और अब वो स्वस्थ होकर भारत अपने परिवार के पास लौट आई हैं। और सोनाली का जज्बा कई लोगों को ताकत देता है। मनीषा कोइराला। संजू फिल्म में नरगिस दत्त के किरदार में नजर आई मनीषा कोइराला ने भी कैंसर से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी है। ये एक अजीब इत्तेफाक रहा कि नरगिस की तरह मनीषा भी कैंसर पेशेंट रह चुकी हैं। खामोशी, दिल से, बॉम्बे और मन जैसी फिल्मों के लिए जानी जाने वाली मनीषा को नवंबर 2012 में ओवेरियन कैंसर हो गया था। दिसंबर 2012 में मनीषा की सर्जरी हुई और 2013 में वो पूरी तरह कैंसर फ्री हो गई। इरफान खान। इरफान खान ने फरवरी 2018 में सोशल मीडिया से जानकारी दी और बताया कि उन्हें न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर है। ट्यूमर आमतौर पर आंतों में होता है। इरफान खान ने कैंसर से अपनी लड़ाई लड़ी और वो भी इस बीमारी से काफी दूर जा चुके हैं। उन्होंने इंडिया वापस आने के बाद अपनी फिल्म इंग्लिश मीडियम की शूटिंग भी शुरू कर दी है। इरफान खान की कहानी हम सबको प्रेरणा देती है। ताहिरा कश्यप। आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप ने भी रिसेंटली कैंसर की लड़ाई लड़ी है। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर था जिसके बाद ताहिरा ने इतनी मुश्किलों में भी हार नहीं मानी। उसमें भी उनका हर पल साथ दिया उनके हमसफर आयुष्मान खुराना ने। और ताहिरा के ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के बाद उन्हें बॉलीवुड से भी काफी सपोर्ट मिला। लीजा रे। बॉलीवुड एक्ट्रेस लीजा रे भी कैंसर का शिकार हो चुकी हैं। लीजा रे ने कसूर, वीरप्पन और इश्क फॉरएवर जैसी फिल्में दी हैं। 23 जून 2019 को लीजा ने बताया कि उन्हें ब्लड कैंसर है। अप्रैल 2010 में लीजा ने जानकारी दी कि वो कैंसर से मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन लीजा की बीमारी अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। लीजा रे फिलहाल सरोगेसी से 2 बच्चों की मां बनी हैं और अपनी जिंदगी में बहुत खुशहाल हैं। युवराज सिंह। क्रिकेटर युवराज सिंह भी कैंसर की बीमारी से जूझ चुके हैं। युवराज सिंह को ब्रेन ट्यूमर था और अपनी बीमारी की पुष्टि होने से पहले ही वो काफी अच्छे परफॉर्मेंस में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बीमारी का पता चला उन्हें अपने करियर से ब्रेक लेकर अपने इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो वापसी की वो काबिले तारीफ है। अब हेजल किट से शादी कर वो अपने परफॉर्मेंसेस पर ध्यान दे रहे हैं। मुमताज। बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस मुमताज भी कैंसर से जंग लड़ चुकी हैं। मुमताज को ब्रेस्ट कैंसर होने की जानकारी 2017 में पता चली, लेकिन उन्हें साल 2000 से ये बीमारी रही। मुमताज का कहना है कि वो कभी भी इस बीमारी के सामने कमजोर नहीं पड़ी और अब मुमताज बिल्कुल ठीक है और अपनी जिंदगी में काफी खुशहाल है। ऋषि कपूर। ऋषि कपूर ने जब 2018 में इलाज के लिए अमेरिका जाने की खबर शेयर की तो उनके सभी फैंस चिंता में आ गए। धीरे धीरे खबर आने लगी कि उन्हें कैंसर है। ऋषि कपूर न्यूयॉर्क में अपना इलाज करवा रहे थे, लेकिन अब खबर है कि वो पूरी तरह ठीक हो गए हैं और बहुत जल्द भारत लौटना चाहते हैं और हमें भी उनकी वापसी का इंतजार है। अनुराग बासु। लाइफ इन अ मेट्रो, गैंगस्टर, मर्डर और बर्फी जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके फिल्म मेकर अनुराग बासु भी कैंसर पेशेंट रह चुके हैं। अनुराग को ब्लड कैंसर था। 2004 में जब अनुराग फिल्म तुमसा नहीं देखा डायरेक्ट कर रहे थे तो उन्हें पता चला। डॉक्टरों का कहना था कि उनके बचने के चांसेस 50% है। अनुराग ने हार नहीं मानी, वो लड़ते रहे और एक दिन जीत गए। तमाम इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।